हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो गाइज़ आज मैं कहीं नहीं थी, फार्मेसी आज घर पे थी। और मेरे डेली ब्लॉग भी इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी भी रहती हूँ फार्मेसी में, फिर मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता डेली शूटिंग करने का, फिर एडिट करो ये वो, तो इसलिए मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जिस दिन ऑफ लेती हूँ उस दिन तो मैं ज़रूर शूट करती हूँ, या कहीं जाना होता है, कुछ फंक्शन होता है तो मैं ज़रूर ब्लॉग शूट करती हूँ। और गाइज़ मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखो, ये कोट सेट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं आपको एक मिनट पूरा लुक दिखाती हूँ। देखो गाइज, इसका लुक बहुत ही प्यारा है, ये वर्क भी बहुत ही अच्छा है। और ये पैंट, मतलब मेरे को ना इसका साइज़ एकदम इतना कंफर्टेबल आया ना, बहुत ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल है ये। और मतलब इसकी मेरे को फिटिंग कराने की भी नीड नहीं पड़ी, एकदम बिल्कुल फिट आया है मेरे, और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया सबको भी ना। अभी गाइज मैंने जस्ट नॉर्मली ऐसे ही मेकअप भी नहीं किया, हल्का बहुत कर लिया था। तो हम जाएंगे शाम को मेले में, यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे भराई माता का मेला लगता है, तो वहाँ जाएंगे हम, तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर वहाँ का सारा व्यू। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। मैं जस्ट रेडी हुई हूँ अभी, अब हम निकल रहे हैं मेले के लिए। रुद्रा भी रेडी है, भाई भी, और मेरा ही वेट कर रहे हैं वो। मैं काफ़ी लेट हो गई, थोड़ा सा मैं सो गई थी, सोने के बाद अभी उठ के बस जस्ट रेडी हुई। ये देखिए माय फुल लुक। तो गाइज़ अभी निकल रहे हैं हम लोग ना, फिर मैं आपसे मेले में पहुंच के मिलती हूँ। भाई चल रहे हैं आगे। गाइज़ हम लोग ना निकल चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते में, और रुद्रा भी हमारे साथ, भाई ड्राइव कर रहा है। मैंने अपनी स्टॉल लाना क्योंकि पूरा फेस हेयर सारे खराब हो। गाइस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से ना, बस 5 से 10 मिनट का ही रास्ता है। प्यारे प्यारे से झूले लग रहे हैं। रात के टाइम हम इसीलिए आए हैं क्योंकि इस टाइम में बहुत अच्छी लाइटिंग रहती है। रुद्रा कहाँ पे आ गए हम? झूला झूलेगा। गाइस हम लोग इस पे झूल रहे हैं। गाइस हम अब इस वाले झूले में झूलने के लिए जा रहे हैं। रुद्रा भी हमारे साथ जुड़ेगा। कर लियो टाइट। हाँ अभी हाथ लगा के रखियो, मुझे डर लगता है। नींद आ रही है गाइस। इस टाइम इस झूले में मैं झूल रही थी अकेले, क्योंकि भाई को रुद्रा को डर लगने लग गया था, वो बहुत तेज रोने लग गया था और मेरी गोदी से भी भागने लग गया था। तो भाई ने फिर रुकवाया जल्दी से झूला और फिर भाई रुद्रा को लेके उतर गया था, फिर वो नहीं झूला था। तो खाली मैं ही झूली थी अकेले। मेरे को भी फिर अकेले काफ़ी डर लग रहा था, पेट में बहुत तेज़ तेज गुदगुदी होने लग गई थी। और यहाँ पर ना म्यूज़िक आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस डाल दी है, वो उठा के। आ चुके हैं घर पे और देखिए हम ये लेके आए हैं, इमली के लड्डू हैं, आम पापड़ है, चांद सितारे हैं, जो हम बचपन में पहले बहुत खाते थे। ये बहुत पसंद है मुझे भी। और ये देखो रुद्रा के लिए तलवार, ये और ये भी है। मम्मा को दिखा दो सारे खिलौने। नहीं पापा ने वो वाले उठा के रख दिए थे। रुद्रा के पापा कह रहे थे मारियो मम्मा से न ले, मम्मा से है ना रुद्रा। गाइज ये भराई माता का मेला था जहाँ पे हम लोग गए थे। ये हर साल लगता है हमारे यहाँ पे ना, और इस तरह से ही लगता है, आपने देखा होगा ब्लॉग में। बाकी बहुत मजा आया, हमने काफ़ी सारे झूले भी झूले थे। मेरे को तो चक्कर भी आने लग गए थे उस वाले झूले में, और रुद्रा तो रोने लग गया था, तो हमने फिर रुद्रा को उतार दिया था भाई के साथ। भाई भी उतर गया था उसी की वजह से। बाकी मैं बैठी रही थी, बहुत डर लगने लग गया था और ना एकदम पेट में भी गुदगुदी सी होने लग जाती है। और हमने आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई, काफ़ी सारी चीज़ें खाई, टॉयज़ लिए रुद्रा के लिए, मजे आए काफ़ी। अभी मैं तब तक कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना। ये देखो गाइस तोड़ना भी शुरू हो गया। ये आज ही से तोड़ के खत्म कर देगा। रुद्रा कैसे लगे आपको टॉयज? रुद्रा रुद्रा बेबी कैसे लगे टॉयज? अच्छे लगे? बता दो अच्छे लगे। टीथ दिखा दो। रुद्रा के टीथ कहाँ है? आँच लग जाएगी। ये देखो गाइस रुद्रा की नाइट ड्रेस अभी तो चेंज होगी, ये तो अभी ऐसी पहन रही है ना। गाइस मम्मा ने बनाए थे आलू के परांठे और दही से खाए थे हमने, बहुत टेस्टी यम्मी बने थे। और अभी मैं बाहर बैठी थी, थोड़ा सा ना ठंडी हवा चल रही थी बहुत मस्त वाली, तो यहीं बैठे हुए थे। गाइस देखो पिटाई हो रही है इसकी मम्मा की। ये हमारी पिटाई करने के लिए लाया है ना। कभी किसी को मार रहा है, कभी किसी को। रुद्रा की पिटाई कर दो। प्लीज जाने दीजिए, आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखो पिटाई ये देखो गाइस, हमें से झूला झुलाने के लिए, सुलाने के लिए झूले पे बिठा देते हैं, सो जाता है। अभी सो चुका है। मैं जस्ट अभी सो के उठी थी और रात को भी मैं सो गई थी, आके रुद्रा को सुला दिया था, फिर उसके बाद मैं आके सो गई थी। पता ही नहीं चला कब कब मैं आँख लग गई और मैं ब्लॉग को भी एंड करना भूल गई थी। बाकी गाइस कल हम मेले में गए थे, काफ़ी इन्जॉय किया और आप बताना आपको मेरा कोट सेट कैसा लगा, मेरी ड्रेस कैसी लगी और मेले में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। हमने झूला भी झूले थे, बहुत मज़े करे, बहुत इन्जॉय करा। तो बताना गाइज़ आप लोग कमेंट्स में। और गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्रैंक्स वगैरह के वीडियोस बनाऊँ, तो आप लोग मुझे बताओ कि मेरे को बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कमेंट्स करो और बताओ किस से रिलेटेड प्रैंक करूँ, किस पे प्रैंक करूँ, मम्मी पे, घर पे, किस पे करूँ। ठीक है, आप लोग बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू गाइज़।